कॉलेज भी तो मेरा ही है। नहीं था गुंडे मवाली कहीं के, हाथ मत लगाओ मुझे। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे। तुम्हारे लाड नहीं तो बिगाड़ा है उसे, जबरे बाल बिखेरे घूमता रहता है यहाँ वहाँ, और दो चार को भी लगाए रखता है साथ में। बस बहुत हो चुका। 2003 में आई सलमान खान की एक बेहतरीन फिल्म तेरे नाम, जिसने देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी थी, क्योंकि इस फिल्म के गाने इतने मशहूर हुए थे कि फिल्म सुपरहिट हो गई थी। कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी इस फिल्म की रेटिंग 7.2 है। जैसा कि आप जानते हैं कि तेरे नाम फिल्म को सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था, और फिल्म की कामयाबी को देखते हुए उन्होंने इसके दूसरे भाग को भी जल्द ही लाने की बात भी कही थी, और उन्होंने इसके दूसरे भाग का नाम जिंदगी तेरे नाम एक अधूरी कहानी रखा था, मगर बाद में हार्ट अटैक की जैसे उनका निधन हो गया और ये फिल्म ना बन सकी। मगर इस बारे में सलमान बताते हैं कि सतीश कौशिक जी ने उनसे भी इस फिल्म के सीक्वल बनाने की बात कही थी, तो अब सलमान भी चाहते हैं कि उनकी ये अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और आप तो जानते ही हैं कि सलमान ने एक बार जो कमेंट कर दिया तो फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। इस फिल्म का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ था कि बूढ़े बच्चे युवा सभी इसको अपनाने लगे थे, और इस तरह सलमान सभी के पसंदीदा एक्टर बन गए थे। लेकिन आज भी इस फिल्म के दूसरे भाग का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने कौशिक साहब का एक इंटरव्यू देखा तो कौशिक साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि फिल्म तेरे नाम 2 के लिए अभी तक सलमान से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी तेरे नाम 2 का सुनने में आया है? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि तेरे नाम 2 का सीक्वल कौन नहीं बनाना चाहेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म तेरे नाम 2 की कहानी का कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में है। यानी वो फिल्म तो बनाना चाहते थे लेकिन किसी तरह से वो उस पर काम नहीं कर पाए, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट है दिमाग में मेरे पास, जो मेरे पास है, लेकिन ऐसी अभी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। खैर, तेरे नाम फिल्म की अफवाहें सबसे ज्यादा तब होने लगी जब 2021 में सलमान की राधे नाम से एक फिल्म आई थी, और लोगों ने इसे फिल्म तेरे नाम से जोड़ लिया, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में ही सलमान का नाम राधे जो था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तेरे नाम फिल्म ने सलमान खान के डूबते करियर को बचा लिया था, क्योंकि उस समय वो काफी फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। इस फिल्म के लिए सबसे पहले संजय कपूर को कास्ट किया गया था, उसके बाद अजय सर को, लेकिन बाद में ये फिल्म सलमान सर को मिल गई। और हीरोइन के लिए भी पहले इस फिल्म में अमीषा पटेल को लिया जाना था, मगर उस समय वो काफ़ी बिजी थी, इसलिए भूमिका चावला को लिया गया। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद लोगों ने काफ़ी अफवाहें फैला दी थी कि ये फिल्म सलमान खान और ऐश्वर्या राय की असल जिंदगी पर बेस्ड है, क्योंकि उस समय इन दोनों के चर्चे ही बड़े आम थे। अब अगर दोस्तों बात करें फिल्म की पहली कहानी की, तो उसमें सलमान यानी राधे एक आवारा लड़का है जिसमें उसके पास कोई कामकाज नहीं होता, और यदि किसी को कोई भी समस्या हो तो राधे उसे चुटकियों में सोल्व कर देता था, क्योंकि राधे से सभी डरते थे। लेकिन राधे को भूमिका चावला यानी निर्जरा से प्रेम हो जाता है, और इस चक्कर में वो अपने आप को सुधारने का फैसला ले लेता है। मगर इस बीच में जिनसे उसकी लड़ाई चलती आ रही थी वो राधे की अच्छे से कुटाई करके चले जाते हैं, जिससे राधे के सर पर गहरी चोट आने की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है, और फिर उसे पागलखाने ठीक होने के लिए भेज दिया जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि राधे वहाँ पर ठीक भी हो जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक निर्जरा की शादी किसी और के साथ फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब राधे की ठीक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस फिल्म के आखिर में निर्जरा ने भी कमाल ही कर दिया, क्योंकि अंत में वो राधे के बिना मर जाती है, और जब राधे जेल को तोड़कर उसके घर पहुंचता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इस चीज से परेशान होकर राधे वापस से उसी जेल में चला जाता है। और इसी के आगे की कहानी के लिए कौशिक साहब इसका पार्ट 2 भी लाने वाले थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद सलमान ने ही इसके सीक्वल की बात कही थी। दोस्तों, वैसे क्या आप भी फिल्म तेरे नाम 2 का पार्ट 2 देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन खबरें तो कुछ ऐसे ही सुनने को मिली थी। वेल, आप बताइएगा कि आप इसके पार्ट 2 को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। दोस्तों, अगर आपको केवल बेहतरीन फिल्मों को ही देखने का शौक है तो आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड एंगल चैनल पर केवल चुनिंदा फिल्मों का ही रिव्यू किया जाता है। तो चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए कि कहीं आपने किसी शानदार फिल्म को तो मिस नहीं कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे किसी और फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।